सोच तुझ को देख भाई को देख समझ गया। समझ में जब तक काम पूरा नहीं हो रहा था भाजी लेट बैलेंस दुकान ऊपर से। समझ में जब तक काम पूरा नहीं हो रहा था तब तक तू मुझे पहला गुण नहीं सिखाएगी। नहीं जा भी स्माइल नहीं रखूं। हाँ मकान मकान लेफ्ट एंड एक्चुअली मुझे पता चल चुका है कि मैं अल्पायु हूँ। जो ब्रह्मेंद्र स्वामी जी हैं उन्होंने ये बता दिया दैट आई एम अल्पायु। माई लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, आई विल नॉट लिव मच, सो आई से दैट आई डोंट हैव मच टाइम, सो प्लीज़ टीच मी एवरी थिंग वेरी फास्ट फास्ट। अच्छा लेकिन इस फिल्म में देखा कि आपके कुछ खेत में कुछ गड़बड़ी हुई है, वो क्या था? आई ने बोला कि मैं तुम्हारे अंदर वो सातों गुण डालूंगी पर उसके लिए तुम्हें ये खेत में मिर्ची आपको उगाना होगा, तो जो उसका जो सबसे पहला फूल होगा वो लाके मुझे देना होगा, तो जो बकरियां हैं वो खेत खा लेती हैं, तो मैं आता हूँ। लेकिन आप बहुत टेंशन में लग रहे हैं, एक चीज़ एक फर्स्ट गुण आप सीख नहीं पा रहे, तो बाजरा को कितना मतलब वो टेंशन हो रहा है अंदर ही अंदर, क्योंकि उनको पता है कि टाइम कम है उनके पास। हाँ क्यों उसको टेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी सोच है कि जब बाबा आएंगे तो उनके साथ वो फिर से एक न्यू एडवेंचर पे जाएगा, तो उस बाबा के आने के पहले वो अपने जो तीनों सातों जो गुण हैं वो अपने अंदर ले लेना चाहता है ताकि बाबा मुझसे और खुश हो जाए और मुझे अपने साथ खुशी खुशी यात्रा पर ले जाए। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, वो कच्ची रोटी के ज़रिए आपकी मम्मी आपको कुछ सिखाना चाह रही थी, तो वो कैसे समझ गया? वो मुझे समझ आ गया जैसे कि अब मॉम ने प्रयास किया, तो मैंने पहले उनको बोला कि मैंने कितना श्रम किया, कितना प्रयास किया, मिट्टी बोई, ये किया, वो किया और इतना हुआ, तो मॉम बोलती कि प्रयास करने से फल नहीं मिलता, जब काम पूरा हो जाता है, सक्सेसफुल होता है, तब जाके आपको फल मिलता है। सो आई अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सो मच।